हे गाइस, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में। दोस्तों, फाइनली ओ डायलर में एक नया अपडेट आ चुका है। तो गाइस, अगर आप ओ डायलर आपके डिवाइस में यूज करते हो तो आप इस वीडियो में एंड तक देखना। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ओ डायलर में ये जो अपडेट आया है इसके साथ आपको क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा, इनकमिंग कॉल में कॉल रिंगिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर नहीं, और आप इसको किससे अपडेट कर सकते हो, अपडेट का डाउनलोड लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा और अपडेट का साइज कितना भी का सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। आप वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो इस चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो के तरफ। दोस्तों, फिलहाल देखिए मेरा डिवाइस में भी जो ओ डायलर है मैं इन डिफॉल्ट इसको यूज़ करता हूँ, और इसका जो वर्जन आप सबसे पहले चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इसका जो वर्जन मेरा डिवाइस में फिलहाल इंस्टॉल है उसका वर्जन है, आप यहाँ पे देख लीजिए 13.1.6, और इसका लेटेस्ट अपडेट भी आ चुका है। इसको अपडेट करने के लिए सिंपली आपका डिवाइस में आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ऊपर में आपको सर्च बार में सर्च करना है ओ डायलर। तो ओ डायलर आप जैसे ही सर्च करोगे बिल्कुल ऊपर में आपको ये जो डायलर मिल जाएगा। अगर आपका डिवाइस में ओ डायलर नहीं आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इसका आपको लिंक मिल जाएगा लेटेस्ट वर्जन का, तो इसको ओपन करना। ओपन करने के बाद ही आपके सामने एक अपडेट आ जाएगा, आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए। और अपडेट में आप देखिए व्हाट्स न्यू, आप यहाँ पे देख लीजिए 27 मार्च 2023, मतलब ये जो अपडेट है कल ही रोल आउट हो चुका था और कल शाम में ये अपडेट रोल आउट किया जा रहा है। तो फटाफट मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे देखिए पेंडिंग दिखा रहा है, अपडेट स्टार्ट हो चुका है। उसके साथ साथ इसके साथ आपको क्या कुछ न्यू फीचर्स मिल रहा है व्हाट्स न्यू में गाइस चलते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सिंपली लिखा जा रहा है बग फिक्स, उसके अलावा आपको और कुछ भी यहाँ पे व्हाट्स न्यू में नहीं है। उसके साथ साथ गाइस अपडेट का साइज भी देख लीजिए, 6.14 MB का साइज है फिलहाल हो चुका है। हाँ गाइस, देखिए अपडेट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ओपन और अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। तो फिलहाल इसका जो वर्जन है वो भी चेक करके देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, इसका वर्जन मेरा डिवाइस में अपडेट होकर आ चुका है 13.1.7, पहले 13.1.6 था लेकिन यहाँ पे आपको 13.1.7 अपडेट देखने को मिला है। तो चलते है गाइस, इसको ओपन कर लेते हैं और इसका फर्स्ट लुक इंटरफेस देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, इसका जो इंटरफेस में आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सेम टू सेम इंटरफेस है जो 13.1.6 में था वही आपको 13.1.7 में देखने को मिल रहा है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। चलते हैं गाइस मेन सेटिंग की तरफ। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, मेन सेटिंग में भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। स्पीड डायलर आपको आंसर कॉल कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ साथ आप किसी भी स्पेसिफिक नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें अगर कॉल आता है या फिर आप कॉल करते हो, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड ऑल कॉल का ऑप्शन है, मतलब ऑल कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है ओ डायलर में। उसके साथ साथ आप और कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मोर सेटिंग में आप देखिए यहाँ पे फ्लैश ऑन कॉल, मतलब अगर कॉल आता है तो आपका डिवाइस का जो फ्लैश है ऑटोमेटिक ब्लिंक होगा, ये फीचर्स आपको पहले ही मिलता है। तो आप न्यू अपडेट में कुछ भी चेंज नहीं मिलता है। जो कॉल रिकॉर्डिंग वो भी आप चेक करके देख लेते हैं। देखिए गाइस, मैं 198 पे कॉल किया, देखिए इसका जो इंटरफेस है आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कॉल रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है और दोनों साइड से कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसको काट कर लेता हूं। दोस्तों इसके साथ साथ इनकमिंग कॉल में जो रिंगिंग वाला प्रॉब्लम हो रहा था वो फिक्स हुआ या फिर नहीं इस अपडेट के बाद, वो भी आप टेस्ट करके देख लेते। मेरे दूसरे नंबर पे इस नंबर पे कॉल मैं कर लेता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए कॉल आने वाला है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कॉल आ चुका है, आप रिंगिंग भी हो रहा है सुन लीजिए। सुन लिया गाइस, जो रिंगिंग वाला प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो गाइस, अगर आपका डिवाइस में रिंगिंग वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो गाइस आप जाओ प्ले स्टोर में, इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, फटाफट जाकर इसको आप अपडेट कर लेना ओ डायलर को। अगर आपको यहाँ पे लिंक नहीं मिलता है प्ले स्टोर में तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लेटेस्ट वर्जन का लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाओ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर लेना। तो यार, आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके पास कौन सा डिवाइस है रियलमी का या फिर ओप्पो का, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना। तो यार मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।